गुड मॉर्निंग एवरीवन, मारो नाम से ललित, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल एलसी ट्रैवल्स में। अभी हम लोग चंडीगढ़ के रूट पे, अभी क्या हुआ था अपना जो राजस्थान का जो एरिया पूरा क्लियर हो चुका है। चंडीगढ़ पे साइड में बहुत ज़्यादा बारिश है, हम लोग अम्बाला से थोड़ा नज़दीक में है, बट यहाँ पे रोड पे इतनी बारिश है ना, समझ में नहीं आगे गाड़ी कहाँ तक अपनी चलने वाली। ठीक है, देखते हैं जहाँ तक पॉसिबल रहेगा अब हम चलते हैं, नहीं तो फिर और एक अपने का दूसरा रूट अपने को देखना पड़ेगा। जर्नी का अपना तीसरा दिन है, हम लोगों ने क्या किया, रात में होटल लिया था, वापस हो गए। बिकॉज यहाँ पे कैसा बारिश का सीजन है, रात में ना रोड की जो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो हमने वहाँ पे स्टे किया। अभी हम लोग निकले 7:30-8 जितना हम लोग उड़ गए थे, पर बाहर आते आते हम लोग को टाइम हो गया। ठीक है, हमारा यात्रा 2-3 दिन से रुकी हुई थी, तो आज के दिन खुली है। तो हमारा प्लान था मनाली जाने के लिए, बट मनाली में हालत बहुत ख़राब है। अभी हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा एक स्पेशल गेस्ट मिलने वाला है, आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये हमारा जो ट्रिप है कुछ भी प्लान नहीं किया था, आगे जगह है ना, स्लोली स्लोली हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। चंडीगढ़ अभी 60 किलोमीटर बाकी है और अभी बारिश बहुत ज़्यादा है, ऊपर से पानी बहुत आया हुआ है, तो चारों ओर पानी भरा पड़ा है यहाँ पे, तो उनके साइड में हर जगह पे पानी ही पानी है। मैंने अभी देखा अम्बाला सिटी के अंदर हम लोग पहुँचे थे, तो यहाँ पे कैसा दो बाहर का रास्ता था, वो तो पूरा फुल जो है पैक है, तो वहाँ से गाड़ी रिटर्न आई। हम लोग अभी गए थे अम्बाला सिटी के अंदर, तो वहाँ सिटी के अंदर से भी पानी की बाढ़ ऐसे सामने से आती हुई दिखी, फिर हम लोग यू टर्न मारे। जितनी भी गाड़ी आ रही ना, सारी ये जो जा रही है ये भी यू टर्न मारेगी, ये सब रिटर्न जा रहे हैं। अभी देखो मैं पानी दिखाता हूँ कितना इधर। हाँ, चाचा को बचा लिया, थैंक यू। इतना पानी है इधर, दो गाड़ी में कहाँ तक पानी आ रहा है। तो पहले अपना प्लान क्या था मालूम है, चारधाम के लिए था, उत्तराखंड का चारधाम जो है वहाँ पे, वो नहीं हुआ। उसके बाद हमने थोड़ा सा डाइवर्जन चेंज करके ना उधर गए मनाली की तरफ, तो मनाली में बाढ़ आ गई। अभी हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से हम लोग श्रीनगर तरफ जाए, तो वहाँ से कुछ अलग नज़ारा देखने मिलेगा, बट अभी कैसा हम लोग अम्बाला के आसपास ही, चंडीगढ़ से पहले अम्बाला में, तो यहीं पे पूरा पानी का वाटर ब्लॉक हो गया, तो अभी यहाँ से ऑप्शन नहीं आगे जाने का। सो अपना जो लंच था वो हो गया, अभी हम लोग क्या किया, यहाँ पे एक डीजल का पंप है, 90 रुपये आसपास इसका रेट है, 90 रुपये 11 पैसा 18 पैसा। ठीक है, तो भैया सॉरी, 90 रुपये 11 पैसा और 18 पैसे के बीच में। लोकल से हमने पूछा, जो इधर का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पानी भरा हुआ है, तो उसने बोला कि अंदर की तरफ जो है लुधियाना साइड का एरिया पूरा खाली है। सो हमने क्या किया, यहाँ से एक शॉर्टकट वाला रास्ता था, हमने देवीगढ़ वाला हमको बोला, देवीगढ़ होते हुए ना एक रास्ता है, ठीक है, वहाँ से हमको बताया। सत श्री अकाल भाई, तो हमको ना मस्त एक रूट मिला है, अब देवीगढ़ वाले शॉर्टकट से हम लोग जा रहे हैं लुधियाना के लिए। लुधियाना से शायद हम लोग प्लान कर रहे हैं आगे की तरफ, अभी पता नहीं जम्मू जाएंगे श्रीनगर जाएंगे, कुछ भी आइडिया नहीं है कि हमको कैसा घर से ऐसा निकले थे कि हमको कहीं ना कहीं घूमना है, हम दोनों को पापा की परी को कहीं घुमाना है। ये मेरे को लगता है 6-7 साल बाद घर से बाहर निकले हमारे साथ, हमको कहीं ना कहीं घुमाना है। अभी तो फिलहाल तो हम लोग रोड पे घुमा रहे हैं, सारी फोटोग्राफी हो रही है, यहाँ पे मस्त व्यू है, गाड़ी अच्छे लगाई है, ये देखो व्यू देखो, ऐसा लग रहा है ना यहीं पर टेंट वेंट डाल के ना मस्त इधर ही टाइम पास कर दे। सभी भाई साहब मस्त स्टंट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ट्रैक्टर जा रहा है पानी के अंदर, ये सारे रास्ते हैं मतलब खेत के बीच में जाने के लिए। पूरा बहुत जोर से बारिश आ रही है, मेरे को भागना पड़ेगा गाड़ी के अंदर, हवा क्या हवा आ रही है मस्त, मतलब पूरा टाइम यही कर रहे, देखो ऐसे ही रखा है इधर एक नैपकिन से मुँह पोंछने का, बाहर जाने का गिला होने का, वापस आने का खुद को सुखाने का। चलो जय भोलेनाथ। सो अपने को ना साथ में यहाँ पे एक मेंबर जुड़ने वाला था जिसका नाम है मनीष भाई, MSB ब्लॉग के नाम से बहुत फेमस है, उत्तराखंड से यहाँ तक आने वाले थे। उसने क्या किया, अम्बाला के थोड़ा सा आगे वहीं पे स्टे किया, 30 किलोमीटर से दूर रह गया और बीच में इतना पानी का वाटर लॉगिंग हो गया तो मिल नहीं पाएंगे, तो बेचारे को क्या यहीं से घर पे रिटर्न जाना पड़ेगा। पटियाला में है और पटियाला में बहुत सारी बारिश हुई है,
सबके घर डूब गए आधे के। अभी हम लोग लुधियाना से थोड़ा सा आ गया और यहाँ पे देखो वेदर एकदम क्लियर हो गया। लुधियाना का 25 किलोमीटर दिखा रहा है, एकदम वेदर क्लीन है, यहाँ पे कुछ भी बारिश नहीं है। इसके पहले बहुत जगह पे बारिश था, अम्बाला में बहुत 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 परेशान हुआ चंडीगढ़ का, हमको रास्ता मिला नहीं जाने के लिए। अब क्या करें, अभी यहाँ से जाते हैं, हमारा प्लान था गोल्डन टेम्पल जाने के लिए, बट अभी कुछ डिसाइड नहीं है अपनी जर्नी। जब घर से निकले तब से ऐसे ही है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हम लोग। हम सब ने चाय पी लिया है, अभी सबका मूड अच्छा है, अभी बाइक ड्राइव करेंगे, ये दोनों एज एज इट इज पूरा टाइम सोएंगे और हम मस्ती करेंगे। आई डोंट स्लीप ड्यूरिंग द जर्नी, ओके? ओके, आई सो यू व्हाइल यू स्लीपिंग, ओके? नो नो। अभी शाम के 6 बजने को आए हम लोग, लुधियाना के आसपास है, लुधियाना अभी बस आ रहा है, सामने दिख रहा है। और देखो कितना टाइम बाद ऐसा लग रहा है, 2-3 बाद हमको ना सूर्य दादा के दर्शन हुए, मस्त धूप निकली है। हम लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ से एक लोकेशन डाला हुआ है जम्मू के लिए, जम्मू होके हम लोग श्रीनगर तरफ जाएंगे। अगर वहाँ का रास्ता खुला रहेगा तो एक बार उधर ट्राई करते हैं। जहाँ पर मस्त कड़क धूप निकली है, तो देखो पानी कितना है, हर तरफ पानी पानी भरा हुआ है, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे पानी देखने के लिए आए। सो अभी हम लोग ये देखो सिटी दिख रहा है, जलंधर है, इसका बाईपास से हम लोग बाहर निकले। यहाँ पे धूप देखो कितनी है, 7 बजे में 10 मिनट कम है, 6:50 के आसपास हुआ है, बट एरिया देखो पूरा एकदम धूप है, यहाँ से मट्टी उठ रही है, इधर तक आने के बाद ना बारिश नहीं है, मस्त लग रहा है। देख सो अभी ना यहाँ से हम लोग क्या किया, पठानकोट पहुँच गया, बट अभी कैसा यहाँ पे आगे जो प्रॉब्लम हुआ था बारिश की वजह से, तो श्रीनगर का जो जम्मू का जो रास्ता है, जम्मू वाला रास्ता जो है वो बंद है वहाँ से रामबन के, वहाँ से यहाँ से लोकल जो भी हमारा जो फ्रेंड है उसने गाइड किया कि यहाँ से क्या करना, पठानकोट से हम लोग को जाना है बन्नी के लिए, बन्नी से भदरवा जाना है, भदरवा होके हुए वहाँ से फिर पट्टी टॉप जाएंगे। ये थोड़ा रूट अलग पड़ता है, बट अगर आप GPS में देखोगे तो दोनों में लोकेशन ना सेम दिखाएगा, मैं दोनों का जो किलोमीटर है वो सेम दिखाएगा। तो वहाँ से हम लोग श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, और रात में वैसे भी ये रोड खाली रहता है, इस पर रोड पे इतने ट्रक नहीं होते, जहाँ तक हमको पुलिस वाले नहीं रोकते तब तक हम लोग गाड़ी चलाते रहेंगे। सो पठानकोट से मैंने जो अभी आपको बोला डाइवर्जन में लिया भदरवा के लिए, ये ऐसा रूट है, रात में देखो एकदम खाली रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी नहीं आ रही है, हम अकेले चल रहे हैं, मस्त खाली रोड है, आराम से चल रहे हैं, मजा कर रहे हैं। देखो अगर हमारा मूड होगा तो हम क्या करेंगे, एक आध घंटे बाद ना कोई अच्छा सा होटल ढूंढेंगे जिसका कलर अच्छा हो, जाके मस्त सो जाएंगे, कि अपने को दिन में सारा नज़ारा देखने का और आपको भी दिखाने का। रात में जब ट्रैवल करते हो क्या करना, मालूम गाड़ी ऐसे अंधेरे में रुकाना और सारी जितनी भी लाइटें बंद कर देना, ठीक है, बाद में ना ये साउंड सुनना। तो जंगल का साउंड है ना मस्त आ रहा है, अभी फायरफ्लाई इधर घूम रहे थे, अभी दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं पे ना हल्का हल्का ब्लिंक हो रहा है, और ऊपर मस्त स्टार दिख रहे हैं, बड़े कैमरे में को नहीं लगता इतने दिखेंगे, पूरा आसमान एकदम क्लीन है, बारिश बिल्कुल भी नहीं है, मौसम तो सही है। सो इस तरफ से हम लोग आए, हमने क्या किया, यहाँ पर ना एक ये वाली होटल है 295 रेस्टोरेंट करके, ठीक है, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, एकदम सात्विक भोजन मिलेगा। तो ये पाजी इधर है, अच्छे से खाना खिलाया, ठीक है, हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। सो खाना खाने के बाद ना अपने को यहाँ से एक रूट मिला जो कनेक्ट करता है, जो डे लाउज होता है वहाँ से, वो वाले रूट पे है, बट अपने को वहाँ से लेफ्ट मारना है। तो इधर से देखो ब्रिज देख लो एक बार, ये देख लो रोड देख लो एक बार, यहाँ से अपने को जाने का। सो चलो हमने बोर्ड दिखा, उसके बाद ना यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, देखो ये वाली है पठानकोट, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट पठानकोट से काफ़ी अंदर है। तो यहाँ पे क्या करना, फिर से अपने को गाड़ी का जो नंबर है सारा लिखना है, यहाँ पे एंट्री करनी है, फिर आगे चलना है। ये अटल ब्रिज है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में का बॉर्डर है। सो रात में क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने टेंट लगा के सो गए थे, बिकॉज होटल वगैरह मिली नहीं, ये वाली होटल भी बंद थी, किसी ने गेट ओपन नहीं किया, ठीक है। हम लोग इधर से ऊपर अंदर की तरफ गए थे, यहाँ से वो वाली चेक पोस्ट बंद थी, उसने बोला कि 2-3 दिन के लिए रास्ता बंद है, चलो वहाँ से रिटर्न आए, अभी सारा पैकअप करेंगे और फिर आगे निकलते हैं, देखते हैं किधर जाना अभी। सो अभी टाइम 6:20 हुआ है, हम लोग फ्रेश हो गए, रेडी हो गए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे उजाला, देखो 6 बजे भी ऐसा उजाला हो जाता है, हम लोग जब उठे थे 5:30 बजे के आसपास, तभी भी ऐसे ही उजाला था, फुल एकदम ब्राइटनेस। रात में जब हम लोग निकले थे यहाँ पे, तभी हम लोग 8:30 बजे भी हमने गाड़ी की लाइट ऑन करी थी, 8:30 बजे एकदम पूरा क्लियर दिख रहा था सब, हर चीज़। पहाड़ों में ये मौसम अच्छा रहता है इस तरह का, तब मस्त मज़ा आ रहा है सुबह। अभी ठंडी है, 24 डिग्री टेम्परेचर है अभी, ये सारा एरिया जो है ये पंजाब में आता है अभी, तो आगे अगर जाते हैं तो वहाँ से डलहौजी आता है जो हिमाचल में है, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद JNK का बॉर्डर लगता है, तो ये तीनों बॉर्डर के बीच में आता है।
तो रात में जो चेक पोस्ट हम लोग रिटर्न हुए थे वो वाले फिर से चेक पोस्ट हम लोग ने ट्राई किया, तो अभी कैसे हम लोग दिन में पूरा एरिया खुला रहता है तो हम लोग को अभी एंट्री मिल गया, तो यहाँ पे एक अच्छा व्यू आया तो हमने रुका दिया। ये वाला अटल ब्रिज जो रात को मैंने दिखाया था, रात में एंट्री वगैरह करी थी, अभी कोई एंट्री नहीं करी है, मस्त एकदम धूप निकली है तो सब फोटो वोटो निकाल रहे हैं अपनी अपनी खुद की फोटो ऐसे। यहाँ पे शिवलिंग है, अभी जा रहे बन्नी की ओर, बन्नी से भद्रवाह जाएंगे। अगर श्रीनगर साइड का जो जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद रहेगा तो ये हाईवे यूज कर सकता है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका ज़्यादा है मगर ये चालू रहता है कभी भी, और शाम को 8 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है तो उसे पहले आने की कोशिश करने का, और रात को अलाउड नहीं करते हैं, और सुबह में 6 बजे खुल जाता है। वो राजस्थान का जो किशनगढ़ बनने के पहले ए ब्रिज का काम चल रहा है तो यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ था, उसके चक्कर में इतना रोड खराब है। तो अभी क्या करते हैं वीडियो को ना यहाँ पे अपने एंड करते हैं, बिकॉज वीडियो की ना लंबाई बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। अपने को यहाँ से बनने के लिए जो एडवेंचर वाला रास्ता है बहुत ही एडवेंचर, मतलब आप समझ लो हाई लेवल वाला एडवेंचर है। तो बाकी की जो रिमेनिंग जर्नी है उसको क्या करेंगे अपन दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। नए है एक बार तो सब्सक्राइब कर रहना, चैनल को सपोर्ट करते रहना।